अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अभी कंटिन्यू ठीक होंगे, खैर वापस होंगे। जी हाँ, अभी मैं जा रही हूँ मुमकिन चांद रात है, शायद अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, 50-50 चांस है निकल हो जाए ईद इंशाल्लाह पाकिस्तान में सऊदी अरब के साथ। तो मैं बस काम ख़त्म करके नमाज़ पढ़ के मगरिब के हमने रोज़ा भी खोल लिया माशाल्लाह, तो अब मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह मेहंदी लगवाने। तो मेहंदी लगवा के मैं आपसे मिलती हूँ, और बल्कि फ़ोन लेके जा रही हूँ अपने साथ, और मेहंदी लगाने की वीडियो शूट करूँगी, और इंशाल्लाह रात को इस वीडियो को अपलोड करूँगी। और कल आएगी मेरी ईद की ब्लॉग, तो मिस नहीं करनी आपने, कल ईद का दिन होगा इंशाल्लाह, तो वीडियो जो है मैं शूट करूँगी पूरी। पंखे की आवाज़ आ रही है तो शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आए, कल अगर मुमकिन ईद हो जाएगी इंशाल्लाह तो कल वीडियो शूट होगी, और परसों को लगेगी। तो आज चांद रात की सारी वीडियो जो शूट होगी इंशाल्लाह वो मैं कल लगा दूँगी। तो चले फिर चले मेरे साथ, मैं लगवाती हूँ मेहंदी। बता के पढ़ना शुरू हो गए उल्टा मेहंदी बेटा, आप लिखाइए, शो मी ऑन अदर हैंड। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा बहुत ही रश है माशाल्लाह से, और मेरी बारी बस अब आने वाली है, मैं एक घंटे से वेटिंग करूँ, और बस अब जैसे बारी आती है आपको दिखाते हैं डिज़ाइन इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई हूँ मेहंदी लगवा के, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रश था, मुझे कम से कम मेरे ख्याल में 3 से 3.5-4 घंटे लगते इतनी सी मेहंदी लगवाने के। पैरों पे तो लगा ही नहीं पाई मैं, हर साल माशाल्लाह पैरों पे भी लगवाती हूँ, इस साल पैरों पे भी नहीं लगवा पाई माशाल्लाह, लगी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अचानक हो गई चांद रात, जब मैं घर से निकली तब चांद रात का अनाउंसमेंट नहीं हुई थी प्रॉपरली, लेकिन जब हम वहीं पर बैठे तो अनाउंसमेंट हो गई माशाल्लाह। और आप सबको अल्लाह ही क्या कर दिया मैंने, आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इंशाल्लाह। चले अब साथ साथ बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो मैं खाना खाऊँगी, बहुत भूख लग रही है, फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता आपको पता है, बिरयानी खाऊँगी इंशाल्लाह, और बताती हूँ फिर मैं आगे कैसे करती हूँ इंशाल्लाह, और कल सुबह भी आपके साथ शेयर करती हूँ इनका दिन भी कैसा गुजरेगा। बस स्टे ट्यून्ड। तो जी फ्रेंड्स, मीठे के बगैर तो ईद नहीं गुजरती। तो सुबह सुबह जो ईद होने वाली थी, और मैं चांद रात की रौनक देखने के बहाने, ये तो बहाना होता है भाई, आपको पता है लेडीज़ को तो बहाने चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो मैं गई मिठाई लेने के लिए। केक्स तो हमेशा लेते रहते हैं, मैंने कहा चलो इस बार मिठाई लेती हूँ, क्योंकि अम्मी के घर भी इन्वाइटेड थी सुबह नाश्ते पर, तो मैंने सोचा एक मिठाई का डब्बा उनके लिए लिया जाए, और एक मेरे लिए, मतलब मेरे घर के लिए, और मेरे बच्चों को भी खासतौर गुलाब जामुन चमचम बहुत ही पसंद है। आप लोगों को कौन कौन सी मिठाई पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी माशाल्लाह से रौनक देखी मैंने, और फिर मैं पहुंच गई मिठाई लेने। भाई मेरा स्टॉप आ चुका है, खालिद बेकरी पे आई हूँ मैं, क्योंकि जो है ईद के, ईद पे कुछ मिठाई ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता ना, मीठा तो लाजमी है। बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बास्केट्स रखी हुई इन्होंने ईद मुबारक की, भाई माशाल्लाह वेरी नाइस, बहुत ह्यूज वैरायटी इनके पास मीठे की माशाल्लाह से। लेट्स गो इनसाइड। दे है ह्यूज वैरायटी मिठाइज की माशाल्लाह, मुझे तो ये बेस्ट पर्सनली पसंद है चमचम और गुलाब जामुन, ये मैं लेने वाली हूँ इंशाल्लाह। जी हाँ, तो साथ साथ मुझे ईद की बैंगल्स भी लेनी थी, तो मैं पहुंच गई हुसैनाबाद ईद की चूड़ियाँ लेने के लिए। जी हाँ, मैं एक यूनिक शॉप पे आई हूँ, यह है मीना बाज़ार में, शॉप नंबर C12 मीना बाज़ार में मौजूद है करीमाबाद में, और भाई के पास जो है स्पेशल मेहंदी और मायों के जो है फैंसी ज्वेलरी मौजूद है, स्पेशल इनके पास बैंगल्स हैं बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से, और कड़े के सेट भी हैं, और पूरे पूरे जो ब्राइडल सेट होते हैं मायों मेहंदी के, वो प्रॉपर सेट्स मौजूद हैं इनके पास। भाई ये सेट की प्राइस बताएंगे मेहंदी की, दुल्हन के सेट की 700 700 इस पर क्या क्या मौजूद है सेट में?
बिंदिया है, रिंग्स है, रिंग है, नेकलेस है और हाथों के गजरे। अच्छा, हाथों के गजरे, बिंदिया, रिंग्स, नेकलेस, पूरा कंप्लीट टोटल पैकेज है मेहंदी और मायों की दुल्हन का। और वो पिंक कलर के और पर्पल कलर के सामने लगे हुए वो वाले क्या है? 1000 का ईच। इसमें पूरा पैकेज है, ये पूरा सेट है, पूरा पैकेज है। सही, वो 1000 के। और इनकी क्या प्राइस बताई? 700 ईच। सही, बहुत प्यारी सी कलेक्शन है इनके पास, आप लोग भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। शॉप नंबर है इनका C12 मीना बाज़ार करीमाबाद में, गेट नंबर 2 के अंदर आप आएंगे तो आपको ये शॉप इजीली मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी कलेक्शन है और बस रेड बहुत प्यारी है। मैं अपने भाई की शादी पे भी इनके साथ शॉपिंग करके यहाँ से गई थी। कानों के बाले मैंने लिए थे यहाँ से, हाथों के कंगन मिल जाते हैं। भाई इस कंगन की प्राइस बताएंगे? 200 का पेयर, मतलब दो मिल रहे हैं 200 में, 100 ईच हुआ। बहुत ही रिजनेबल है और बहुत ही सस्ता दे रहे हैं भाई ये। और ये वाली का ये भी 200 पेयर है, बहुत सस्ता दे रहे हैं भाई, माशाल्लाह से इनके पास रिजनेबल है। और ये जो इसकी लटकने वाली इसकी इसकी क्या प्राइस है? ये 400 पेयर है। सही है, मैंने ईद के लिए भी अपनी बैंगल्स यहीं से शॉपिंग की है, माशाल्लाह इनके पास प्यारी कलेक्शन है। इन बैंगल्स की वैरायटी बहुत अच्छी है, कलर्स वाली और इसको जो कहते हैं ये पर्ल्स वाली बहुत आजकल इन है ईद पे, तो पब्लिक की जो है शॉपिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है इस तरह की चीज़ों पे। आपको पता है लेडीज़ इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करती हैं। इस तरह की बैंगल्स हैं भाई के पास, बहुत प्यारे प्यारे सेट्स हैं और मोस्ट रिजनेबल 350 का ये सेट दे रहे हैं पेयर का। और भाई इसका सेट कितने का देंगे, कलरफुल वाली का? ये भी 350 लगा देंगे। सही, मेरे रेफरेंस पे अगर आएंगे तो भाई मुनासिब दाम कर देंगे और आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। और बच्चों के सेट 300 का पूरा पैकेज है, उसके साथ कंगन भी है और चूड़ियाँ भी हैं, पूरा सेट दे रहे हैं भाई 300 में। और आप अगर मेरे रेफरेंस पे आएंगे, सबा मेमन व्लॉग्स के रेफरेंस अगर आप आएंगे तो भाई जो है वो आपको अच्छा खासा मुनासिब डिस्काउंट कर देंगे। और भाई के पास आप कलेक्शन देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी दुकान है, छोटी दुकान है लेकिन इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी है। और इन भाई का नाम है अजान, अजान भाई के पास आप आएंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट दे देंगे इंशाल्लाह। और गेट नंबर 2 से आप एंटर होंगे तो इनकी शॉप आएगी जो इजीली आपको मिल सकती है इस गली के अंदर। आप रश देख सकते हैं इस वक्त, और इस वक्त जो है माशाल्लाह तमीना बाज़ार में जो रौनक है वो काबिले दीद है, माशाल्लाह बहुत अच्छी रौनक है। ये ज्वेलरी वाले की शॉप इनके सामने है और ज्वेलरी वाले के बिल्कुल सामने जो है इनकी शॉप है, बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी कलेक्शन है। और बहुत ही मुझे तो इनकी दुकान पर्सनली बहुत पसंद है, इनके पास अच्छी कलेक्शन और मोस्ट रिजनेबल। मैंने भी अपनी ईद के लिए यहाँ से शॉपिंग की है तो मुझे उम्मीद है कि आप भी यहाँ पे आएंगे, शॉपिंग करेंगे, ईद के बाद भी आ सकते हैं और कभी शादी ब्याह का कोई फंक्शन हो तो ब्राइडल की बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं इनके पास। और जो है ईद का दिन में मिठाई ना खाए तो मज़ा नहीं आता है, चार रात है जबकि माशाल्लाह से खरीद होगी। और एनवेलप मैंने बाय की थी, बहुत ही ज़बरदस्त एनवेलप है, रीजनेबल रेट्स पर मुझे मिलते हैं। ये बड़ों का बड़े लोगों को देने के लिए मैंने लिया है जैसे, तो ये मुझे 10 पीस मिले हैं 200 के, और ये जो मिले हैं मुझे 150 के 10 पीस, ये छोटे बच्चों को देने के लिए। मैंने कड़क रोटी निकल मंगवा ली थी और जो है ये 50-50-100 की कड़क रोटी लगी है और 500-1000 रुपये भी डलेगी इंशाल्लाह, साथ साथ बताती रहती हूँ, बने रही है। अब मैं भी भरने जा रही हूँ, मैं अपना नाम लिखना शुरू करी सब बच्चों के, माशाल्लाह फैमिली में जितने बच्चे हैं सबकी वीडियो बनेगी, सबके नाम लिखेंगे। फ्रेंड्स तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ईद की व्लॉग भी इंशाल्लाह आएगी तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपको ईदी कितनी जमा हुई।